इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर। 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को कैंपस सिलेक्शन के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला गौरवशाली विश्वविद्यालय। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में हुए कथित पोषण आहार घोटाले के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे शिवानी चौरसिया के नेतृत्व में छत्रसाल चौक पर पहुंची महिला कांग्रेस नेत्रियों ने पहले नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री के एक पुतले को छत्रसाल चौक पर जलाने का प्रयास किया। हालांकि पुतला जलने से पहले ही पुलिस ने छीन लिया। प्रदर्शन के दौरान दीप्ति पांडे ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की बेटियों को अपनी भांजियां बताते हैं और फिर उनकी सरकार में उन्हीं के निवाले पर डाका डाल दिया जाता है, ये कैसी नीति है। उन्होंने कहा कि घोटाले के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। आज पोषण आहार में गड़बड़ी पाई गई और मुख्यमंत्री जी महिला बाल विकास का जो डिपार्टमेंट है वो देख रहे हैं और पोषण आहार में जो उन्होंने घोटाला किया है उसके विरोध में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है। वो बोलते हैं कि हम बच्चों के मामा हैं, मामा भांजे भांजियों के, और वो ही पोषण आहार में घोटाला कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। अगर घोटाले की जाँच नहीं होगी तो हम लोग फिर से कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास गवाह है, मामा कंस के राज में भी भांजे भांजियां कभी सुखी नहीं रहे और मामा शिवराज सिंह के राज में भी। अब जिनको वो अपनी बहन बेटियां भांजे भांजियां बताते हैं उन्हीं का पोषण आहार स्वयं खा गए, क्योंकि वो खुद इसका चार्ज लिए हुए हैं मंत्रिमंडल का, तो वो जिम्मेदारी भी शिवराज सिंह सरकार की बनती है। और मेरा मानना ये है कि झूठ फरेब और छल की ये राजनीति चलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश अब जाग चुका है। इनकी भ्रष्टाचारी, इनकी झूठी नीति, छल प्रपंच सबका पर्दा फाश हो चुका है और धीरे धीरे सरकार समझ रही है ये महिला कांग्रेस का जो सांकेतिक पुतला दहन का कार्यक्रम है ये हर मध्य प्रदेश की उस बेटी, उस बहन और मामा की कह जाने वाली भांजियों का एक इशारा है कि अब ये भ्रष्टाचार बंद करो।